कांग्रेस पार्टी मजबूत है हरियाणा में, 90 की 90 सीटों पे किसी और पार्टी का उस तरह का जनाधार नहीं है। राजधर्म राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारा इंडिया गठबंधन है उसको निभाने के लिए हमने कुछ इंडिया गठबंधन के घटक दलों से बातचीत करी, जिनका हरियाणा में जो अलायंस के लिए आगे आना चाहते थे, जिसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल है। बातचीत चल रही थी, बीच इस दौरान उन्होंने अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं, वो उनकी मर्जी। राष्ट्रीय स्तर पर हमारा गठबंधन है, ओपन माइंड के साथ, खुले दिल के साथ हमारी बातचीत चली है। वो कौन सी बात किसके साथ वो निष्कर्ष तक पहुंचती है कि नहीं पहुंचती, आपको जल्दी उत्तर मिल जाएगा। हरियाणा के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी की सरकार जा रही है और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। और जुलाना के जन जन ने, छत्तीस बिरादरी ने ये ठाना है बीजेपी को भगाना है और विनेश को रिकॉर्ड मतों से जुलाना से जिताना है। अभी सारी आ जाएंगी। देखिए ये उनका फैसला था, बातचीत चल रही थी हमने, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस पार्टी मजबूत है हरियाणा में, 90 की 90 सीटों पे किसी और पार्टी का उस तरह का जनाधार नहीं है। और मगर फिर भी राजधर्म राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारा इंडिया गठबंधन है उसको निभाने के लिए हमने कुछ इंडिया गठबंधन के घटक दलों से बातचीत करी, जिनका हरियाणा में जो अलायंस के लिए आगे आना चाहते थे, जिसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल है। बातचीत चल रही थी, बीच इस दौरान उन्होंने अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं, वो उनकी मर्जी। जितेंद्र, CPIM का नाम चल रहा है कि शायद वो कुछ सीटों पे आ सके, कुछ ऐसा है? देखिए मैंने जैसे कहा कि बातचीत हुई है इंडिया गठबंधन के बाकी तमाम घटक दलों से, जिनका राष्ट्रीय स्तर पे हमारा गठबंधन है, ओपन माइंड के साथ, खुले दिल के साथ हमारी बातचीत चली है। वो कौन सी बात किसके साथ वो निष्कर्ष तक पहुंचती है कि नहीं पहुंचती, आपको जल्दी उत्तर मिल जाएगा।